यूरोप तर्ज की डबल डेकर दौड़ने के लिए बेताब। डबल डेकर बस रावलपिंडी इस्लामाबाद के सियाहती मकामात की सैर कराएगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दाद ने इफ्तिताह भी कर दिया है। रावलपिंडी से देखते हैं वसीम चौधरी की ये रिपोर्ट। सयाहों के लिए खुशखबरी, यूरोप तर्ज की डबल डेकर बस रावलपिंडी की सड़कों पर दौड़ेगी। लाहौर के बाद रावलपिंडी में भी डबल डेकर बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने किया। डबल डेकर बस सर्विस शुरू होने से खवातीन बच्चे बहुत खुश हैं, कहते हैं हुकूमत का अच्छा इकदाम है। थैंक यू सो मच की बस यहाँ पे भी चली है और लोगों का घूमने फिरने का एक बहुत अच्छा मौका और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। वी रियली एंजॉयड इट। हम चाहते थे कि हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी बसेस चले, तो अब हमारे सामने अगर इस किस्म की सेफ्टी प्रोविजन मतलब एश्योर कर दी जाए ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि फीमेल्स किसी भी तरह से पीछे हटेंगी। लाहौर के बाद रावलपिंडी में डबल डेकर बस सर्विस चलाकर पंजाब को टूरिज्म हब बनाया जा रहा है। चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड सरदार तनवीर इलियास कहते हैं इसे मजीद भी शहरों में फैलाया जाएगा। टूरिज्म के हवाले से डबल डेकर बसें जो स्पेशली लाइव कमेंट्री के साथ हूँ, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस का बैकग्राउंड भी बयान करे, टूरिज्म के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा संगे मील होगा। और इसको ना सिर्फ रावलपिंडी में, इसका ये दूसरा फेज है, हम इसको उसके बाद साउथ में लेके जाएंगे, बाबुलपुर है, मुल्तान है। सरदार तनवीर इलियास कहते हैं सयाहों से 400 रुपए टिकट वसूल किया जाएगा। 5 से 12 साल के बच्चों का किराया 200 रुपए रखा गया है, जबकि इससे कम उम्र और स्पेशल बच्चों को फ्री सर्विस फराहम की जाएगी। कैमरामैन मुदस्सिर जावेद के साथ वसीम चौधरी, बोल न्यूज़, रावलपिंडी।